हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रो डांस स्टाइल पर। और ये डांस स्टाइल बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी डांस स्टाइल है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी डांस स्टाइल है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। यदि आप भी नया कुछ सीखना चाहते हो डांस के अंदर, तो ये डांस स्टाइल आपके लिए बेस्ट है। इससे आप ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए। तो जो आज का वीडियो है हमारा, वो बेस्ड है व्हाट इज इलेक्ट्रो डांस, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रो डांस, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रो डांस के मूव्स के बारे में जो कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो सीखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। इलेक्ट्रो डांस स्टाइल को टेक्टोनिक्स और मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डांस स्टाइल है वो स्ट्रीट डांस फॉर्म का एक हिस्सा है जो कि बहुत ही फास्ट और एनर्जेटिक तरीके से की जाती है। तो ये डांस स्टाइल है उसे टिपिकली इलेक्ट्रो हाउस म्यूजिक का यूज़ किया जाता है, जिसे हम EDM भी बोल सकते हैं। EDM का इसमें यूज़ किया जाता है और EDM के कारण ही इस डांस स्टाइल को बनाया गया है। ये जो डांस स्टाइल है वो वेरियस डांस स्टाइल से मिलकर बनी है, जैसे कि डिस्को, वाउज, वेकिंग, हिप हॉप, इंडस्ट्रियल डांस, मैराको चवी और साथ ही साथ फ्री हैंड ग्लो स्टिक्स है। ये डांस स्टाइल स्टार्ट हुई थी ईयर 2000 में और ये ओरिजिनेटेड है पेरिस और फ्रांस में। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नाइट क्लब में जो डांस होता है उसमें किया जाता है और ये नाइट क्लब के कारण ही इतनी ग्रो हुई है। तो ये जो ये डांस फॉर्म है वो एक्चुअली क्या है कि एक म्यूजिक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी, जो दो टाइप के म्यूजिक थे जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड से थे, हार्ड स्टाइल और जंप स्टाइल। इन दोनों म्यूजिक को कंबाइन करके हम जो पेरिस और फ्रांस के अंदर यूज किया गया डीजेस और नाइट क्लब्स में, और इसी के कारण इस डांस स्टाइल को इतना इवॉल्यूएट होना पड़ा। तो 2002 में साइरिल और अलेक्जेंडर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था टेक्टोनिक किलर, और ये टेक्टोनिक इवेंट था और इसी इवेंट के कारण इस डांस स्टाइल को और उछाल मिला। और फिर 2007 में मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसे स्प्रेड करने का काम किया और इसे वर्ल्ड वाइड फेमस किया। तो दोस्तों, ये इसकी हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं इसके जो बेसिक मूव है। तो बेसिक मूव में हम बात करेंगे पहले मूव के बारे में जो कि है हेयर कट। बटरफ्लाई ट्विस्टर, रोल, मेल, स्पेस, ड्रॉप, चेंज, क्रॉस हैंड। तो ये सभी मूव्स हैं जो कि इलेक्ट्रो डांस स्टाइल के अंदर यूज किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रो डांस स्टाइल के बेसिक मूव हैं। इन्हीं को आप यूज करके और इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके आप अपने डांस कॉम्बो बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि इलेक्ट्रो डांस स्टाइल से रिलेटेड है। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लीन आर्म मूवमेंट। इसका मतलब है आपको जब मूवमेंट करना होंगे आपके आर्म के वो क्लीन दिखना चाहिए, उसके अंदर ब्लरीनेस या फिर वॉबल नहीं होना चाहिए। जब भी आप डांस मूव करोगे, इलेक्ट्रो डांस स्टाइल करोगे, तो आपके जो आर्म है वो क्लीन तरीके से शार्प दिखना चाहिए और यही आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही ये आपको हैबिट में आएगा और धीरे धीरे ही आपके जो आर्म है वो क्लीन होने लगेंगे। हमारा सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है इसके अंदर कि जो म्यूजिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी जो स्पीड है, पर ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये फास्ट वे में ही होता है। वैसे इलेक्ट्रो जो डांस जो इलेक्ट्रो EDM है वो भी फास्ट ही होता है, इसीलिए आपको हमेशा से फास्ट ही सीखना होगा। आप चाहे तो उसे धीरे धीरे कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी म्यूजिक पर। तो सबसे पहले आप फास्ट से स्टार्ट कीजिए और फिर जब आप इसमें धीरे धीरे आप सीखना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे टाइम जाएगा, तब आप इसे स्लो भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग आपको फास्ट से ही करनी है। तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो जो आपके आर्म है उसमें आप देखोगे कि आपको सिर्फ लाइंस दिखेंगी। यदि आप हम जब आप किसी डांस जो इलेक्ट्रो डांस स्टाइल के परफॉर्मर को आप देखोगे तो आपको सिर्फ लाइंस दिखेगी, तो आपको लाइंस के अंदर ही सोचना है। तो एक जियोमेट्रिक जो पोज होते हैं वे जियोमेट्रिक तरीके से आपको सोचना होगा जब आप अपने डांस मूव को तैयार करोगे, तब लाइंस का यूज़ करके आपको अपने डांस के कॉम्बोज को क्रिएट करना होगा। हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जब भी आप इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करोगे तब आपको याद रखना है कि जो आपका हाथ है वो दूसरे हाथ के पास होगा या तो उससे टच करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों हाथ को सेपरेट कर लो, बहुत देर तक नहीं कर सकते। अब कुछ मूव में दोनों हाथ को सेपरेट कर सकते हो, बट ज़्यादा जो आपका डांस है वो लगभग टच होना चाहिए या तो आपका जो दूसरा हाथ है वो क्लोज होना चाहिए। हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है यूज़ योर लेग। इसका मतलब है कि सिर्फ हाथों का यूज़ ना करें, अपने लेग का यूज़ भी करें।
तो ले का यूज करके थोड़ा और वेरिएशन क्रिएट करने की कोशिश करें। तो इसमें क्या होगा कि आप लेग में शफल का यूज कर सकते हो, आपने शफल डांस सीखा हो तो आप शफल डांस का यूज कर सकते हो। आपको फुटवर्क करना होगा, आप चाहे तो ग्रूव कर सकते हो, जो आप बी बॉइंग में करते हैं आप चाहे वो कर सकते हो, आप कोई सा भी फुटवर्क कर सकते हो, इसमें कोई सी लिमिट नहीं है। ये मैंने डांस स्टाइल बहुत पहले स्टार्ट करी थी सीखना, आज से 3-4 साल पहले, बट फिर मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि जो यहाँ इंडिया है यहाँ पे इतना इसका क्रेज नहीं है, बहुत कम ही लोग इस डांस स्टाइल को परफॉर्म करते हैं। तो यदि आप सीखने के मोटिव से कभी इस डांस स्टाइल को सीखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इलेक्ट्रो डांस परफॉर्म करते हैं उनके हाथ के कंट्रोल को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाओ कितना अच्छा कंट्रोल कर रहा है। तो इससे आप ये सीख जाओगे कि हाथ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और यही जो कंट्रोलिंग है वो आप दूसरे डांस स्टाइल में यूज कर सकते हो। जैसे वेविंग के अंदर यदि आप जब तक वेविंग कर लोगे तो आपका हाथ दुखता है, वैसे सेम इसमें होगा, बट वेविंग से ज़्यादा यहाँ पर आपके हाथ में पेन होगा, तो थोड़ा सा पेन आपको सहना पड़ेगा। तो आपको इस डांस स्टाइल के जो बेसिक मूव है वो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप चाहे तो आज से इसे डांस स्टाइल को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में, यदि आपको कोई डांस स्टाइल के जो इस डांस स्टाइल के जो बेसिक मूव है वो आपको समझ नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो वो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही था, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।